There's no place for that kind of violence in our country, and um, the perpetrators have to be brought to task. Definitely, I think uh, you know I, I feel any uh, it has to be condemned, and I it's uh, it was quite uh, sad, and quite shocking uh, what I saw what the you know and uh, you know it was it was very disturbing. Matter of fact, I'm ke ke you know what is happening.

बिकॉज सी किसी भी तरह का वायलेंस चाहे वो जे एन यू में हो या किसी भी कैंपस में हो आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी वी कंडेम एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द रेलिवेंट अथॉरिटीज टू टेक नोट ऑफ इट एंड यू नो टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल बट या आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन एवरीबडीज बिहाफ बट या कुछ है

जिसमें काफ़ी चर्चे हुए सर कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने लगे थे कि दिशा आदित्य के साथ या नया लड़का कौन लॉन्च हो रहा है आपके बारे में सर तो सर इतना भारी कॉम्प्लीमेंट को आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है कैसे मेंटेन करते इतना भारी कॉम्प्लीमेंट मैं, मैं सीरियसली लेता नहीं टू बी ऑनेस्ट विद यू वो जूतों का कमाल था वो पिंक जूते जो पहने थे मैंने जो हर्ष से चुराए थे और वो सो रहा था तो मैं मैंने चुराए और वो पहन के तो वो जूतों की वजह से मैं मेरे ख्याल से जंग लग रहा था मगर मुझे पता है कि यू नो वेन यू यू नो समाइम्स क्या होता है कभी कभी आप इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप यंगस्टर्स के साथ काम करेंगे जितने यंग लोगों के साथ यंग फिल्म मेकर यंग एक्टर्स यंग प्रोड्यूसर्स तो ओबियसली यू ऑल्सो फील वेरी मोटिवेटेड आपको सीखने को मिलता है यू नो एंड यू गेट चार्जड सो आई थिंक समवेयर मुझे आई वॉज चार्ज के दिशा आदित्य कुणाल मोहित आ, लव ये सब हैं अंकुर है तो कही कहीं ना कहीं

जैसा देखा जाए तो आपको नेशनल क्रश की उपाधि भी पहले मिल चुकी है तो क्या आने वाले दिनों में आने वाले प्रोड्यूसर या जो अभी क्या क्या आपको अफोर्ड कर पाएंगे थैंक यू सर सॉरी आई कॉन्ट सी यू एक्चुअली कैन यू ओ आई सी यू नाउ थैंक यू आई गेस जो भी मैं लग रही हूँ फिल्म में इट्स थैंक्स टू द डायरेक्टर फॉर श्योर इट्स हिज विजन एंड

<laughs> इससे पहले आज की टू में भी आपका काफी चर्चे में रहे थे आपके इससे पहले ओके जानो में दो होंठों के बीच में एक हाथ रख किस किया गया था तो काफी क्रिएटिव रहा है आपको नहीं लगता कि इस जैसा चल रहा आपका जर्नी इमरान हाशमी का टॉप कंपटीटर आप बनने जा रहे दिस तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अभी सोचना पड़ेगा अनिल जी आपके लेफ्ट में ओ भारती हाय हाउ यू गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हाउ आर यू या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भारती या थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू अनिल जी आपके लेफ्ट में लेफ्ट एंड अप अनिल जी आपने बताया कि काश आप ऐसे चिल्लम फूक रहे होते आप हो so, निकल चुके हैं दिशा और आदित्य का वो किसिंग सीन भी मिस कर रहे थे, करते हैं आप कि का आप ऐसे किसिंग कर रहे होते मिस करते आप ये नए बच्चों को देखते हैं तो ऐसे कुछ तू क्या चाहता है घर पे मुझे जूते पड़े हाँ? समझा ना आपको घर पे सोनम है रिया है सुनीता है बड़े-बड़े मेरे तू क्या चाहता <laughs> मगर अपना अ, अ, obviously बुरा तो लगता है थोड़ा थोडा ये दिल की बात थी आपकी एंड आदित्य जी आपने इस फिल्म में अ दारू की बोतल को हाथ लगाए या तोड़ा तो मतलब हम समझे कि पिक्चर हिट है है क्या ऐसा शॉर्ट फिल्म में नहीं उनका शॉर्ट आई थिंक वो कुणाल का शॉर्ट है अच्छा तो मैं नहीं फोड़ रहा हूँ इसमें मैं पी भी नहीं रहा हूँ। ओह फिर क्या बात है हां फिर हिट तो है एंड दिशा जी यू नो हम यार कोई और सवाल करेगा कौन है ये <laughs> ये कौन है भैया ये वही है जो हमेशा होता है <laughs> हाँ क्या रहा है उनका दिशा जी यू नो लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है लेकिन आप अपने बाल ऐसे पिक्चर में कट ऐसे मतलब ऐसे हम कभी देख सकते हैं क्या ऐसे कट करते हुए ऐसे आ, ब, ब, शायद फ्यूचर में सर जब थोड़ा बोर हो जाऊंगी लंबे बालों से तब काट दूंगी भूषण जी आपसे आखिरी सवाल uh, कि uh, सर आपसे भी कि आप प्रोड्यूसर है इस फिल्म के लेफ्ट में uh, जिस तरह से ट्रेलर चल रहा था उसमें ऐसे फीलिंग आ रही थी गाना इससे ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला तो थो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि आने वाले दिनों में गाने कैसे होने वाले हैं इस फिल्म गाना के जैसे मैंने आपको भी बताया कि गाने तो स्क्रिप्ट से पहले सुने थे मैंने और उसी दिन मैंने मोहित को बोला था कि सुपर डुपर हिट गाने हैं और पिक्चर तो मैं कर रहा हूँ चाहे तुम पिक्चर मत बनाओ लेकिन गाने मुझे जरूर दे देना सो दे। so, गाने बहुत बेहतरीन है और जब गाने एक एक करके आएंगे एक झलक आपने इसमें भी देखी अपना ट्रेलर में भी गाने के देखी सो so, गाने बहुत ही बेहतरीन है।, है, उस है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे I'm used to ma'am, of trolling. <laughs> it's fine. Uh, sorry, I can't see you. Can I? Uh, yeah, yeah. Uh, I think uh, I enjoy memes, and personally, when I see memes, I really enjoy looking at a meme. So it's good that we're making people laugh or happy. I mean, is a saying it's better to be talked about than not being talked about? So it's a good thing. Okay, Bhushan sir, एक मीटिंग में गए थे जहाँ पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था अनिल सर आदित्य एंड दिशा एंड मोहित आप सभी से जानना चाहती हूँ क्या आपको इनवाइट आया नहीं था या आप लोग गए नहीं किसी कारण सीए की मीटिंग थी पीयूष गोयल ने ये मीटिंग की थी इसके लिए इनवाइट किया गया यस सो दैट डजंट मीन आई वाज इन अ मीटिंग और समथिंग राइट आइए क्या आप लोगों को इनवाइट आया था क्योंकि हमारे पास जो इनविटेशन कार्ड है उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, का नाम के लिए वो इनवाइट बनाया गया था क्या आप लोगों को इनवाइट किया गया था नहीं मैम मुझे तो नहीं आया, नहीं आया ओके okay. जी सबसे पहले हो जाती हैं जिस भी एक्टर के साथ कमाल की जोड़ी लगती है So, you know, what do you feel about this? Thank you so much if you feel so. Uh, I don't know what to say. I think it's a director's job to, you know, make us look good together. And uh, we are actors. All we can do is, you know, do our best. And thank you so much if you feel so. I don't know what to say. Uh, lovely. One more question I have, guys. Um, एक पहले से ही रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज uh, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए बिकॉज ये बहुत जरूरी है mm -hmm. uh, बीती रात हमने देखा जे एन यू में जो कुछ भी हुआ जिस तरीके से वायलेंस हुई उस पर अगर आप अपने तर्क वितर्क रखना चाहें अगर आप अपने विचार रखना चाहें दैट वुड बी ग्रेट अंकुर वुड यू लाइक टू टू ऐड दैट बिकॉज सी किसी भी तरह का वायलेंस चाहे वो जे एन यू में कैंपस में हो आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ़ एवरीबडी वी कंडेम And we request all the relevant authorities to take note of it and, you know, take the strictest action possible. But yeah, I think I can speak on everybody's behalf that yeah, it. Ji, No, no. I think uh, you know, I I feel any uh, it has to be condemned, and I it's, uh, it was quite uh, sad, and quite shocking, uh, what I saw.